94.3 MyFM पर मैंसुली आपके साथ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे एक मुलाकात, जहां पर आपकी खास मुलाकात मैं करवाने वाली हूं डायरेक्टर एंड ओनर्स ऑफ अरीना गीता भवन। मेरे साथ में है संजय खिमेश्रा सर और साथ ही साथ एकता खिमेश्रा मैम। हाउ डू यू फील MyFM के स्टूडियोज में आकर? हाय अंजलि, हम लोग का 97 में ये प्रोजेक्ट हमने लाए, इंदौर के लिए लाए थे। उस टाइम पे मल्टीमीडिया अपने आप में एक नया वर्ड था, लोगों को मीडिया क्या होता है ये भी समझाना होता था, क्रिएटिविटी को हम कैसे प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं वो भी समझाना होता था। तो यही आइडिया हमारे पास आया कि हमारे शहर के जो क्रिएटिव लोग हैं उन्हें यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन्हें सिटी के बाहर या स्टेट के भी बाहर जाना होता था, तो उनके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे कि हमारे सिटी के जो बच्चे हैं वो यहीं पर ही ग्रो करें। मैं उस समय मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था इंजीनियरिंग करने के बाद, एंड समहाउ लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में वी थॉट कि देर इज़ ए स्लो ग्रोथ, सो वी फाउंड सर्विसेज सेक्टर इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, और उस सेक्टर में वी फाउंड कि मीडिया उस समय चूँकि कंपटीशन वर्ल्ड से इंडिया में ओपन हुई थी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ से कंपनीज यहाँ सेटअप करना शुरू किया था, दैट इज़ हाउ वी फेल्ड कि द मोर इज़ कंपटीशन मोर इज़ यूज़ ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो इसी सोच के साथ हमने थोड़ा रिसर्च किया और वी स्टार्टेड दिस। और राइट, और भी कई सारी बातें करेंगे हम डायरेक्टर्स एंड ओनर्स ऑफ अरीना गीता भवन। हमारे साथ में है संजय खिमेश्रा सर और एकता खिमेश्रा मैम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। और राइट, मंथली आपके साथ 94.3 MyFM पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, और आपकी खास मुलाकात मैं करवा रही हूँ डायरेक्टर्स एंड ओनर्स ऑफ अरीना गीता भवन। मेरे साथ में संजय खिमेश्रा सर और एकता खिमेश्रा मैम। 22 सालों से आप हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं और बड़े बड़े मुकाम वो हासिल कर चुके हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली ऑल्सो। तो कोई एक एक्सपीरियंस, कोई एक चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आज भी आप याद करते हैं और आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है? देखिए, ये तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, मतलब हजारों की तादाद में जब बच्चे ट्रेन किए हैं तो ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं जो आउटस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे गए हैं। एक अनुभव हमारा 1998 का है, एक स्टूडेंट आया था, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज था, वहाँ से आया था। वो ऐसा था कि जब मैंने ही उससे काउंसलिंग उसका किया था, तो उस समय जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए कि 3 साल उसने कोर्स किया, 2001-02 में वो पास आउट हुआ, उसको यहाँ पे हमने कई जॉब्स करवाए, और एक फिर एक US बेस्ड MNC थी उसके साथ हमने उसको मैप किया, और वहाँ से वो US गया। आज वो HCL में UI/UX का सीनियर मैनेजर है। तो ये इस टाइप के जो बच्चे, जो उसको देख के लोग हंसा करते थे, वो टूटी फूटी अंग्रेजी की कोशिश भी करता था, और आज आप देखिए कि जो हंसने वाले यहीं रह गए और वो कहां से कहां पहुंच गए। और राइट, मंथली आपके साथ 94.3 MyFM पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, और आपकी खास मुलाकात मैं करवा रही हूँ डायरेक्टर्स एंड ओनर्स ऑफ अरीना गीता भवन। मेरे साथ में संजय खिमेश्रा सर और एकता खिमेश्रा मैम। सो इट्स बीन 22 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ अरीना गीता भवन, और मतलब कहाँ कहाँ आपके स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं डेली अपने शो पे इसके बारे में बात भी करती हूँ, तो प्लीज़ आप शेयर करें कि क्या कुछ इनोवेशंस और क्या कुछ चीज़ें और अरीना गीता भवन लेकर आने वाला है, और क्या कुछ प्लान्स आने वाले समय में। देखिए, करंटली अभी हमने एक ऑटोडेस्क करके इस फील्ड का ग्लोबल लीडर है जो इसके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देता है, उसका लर्निंग पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे ऑटोडेस्क के मैक्स माया टाइप के मॉड्यूल्स सीखते हैं, जो एनिमेशन जिन्हें कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने उसी कंपनी के साथ सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से लेकर, और इससे बड़ा एक और इनिशिएटिव है जो हम आने वाले समय में स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स होता है स्पोर्ट्स में, वैसे हमारी इंडस्ट्री में वर्ल्ड स्किल चैम्पियनशिप होती है। ये हर अल्टरनेट ईयर होती है, जैसे इस साल रशिया में काइजन में ये चैम्पियनशिप हो रही है, नेक्स्ट ईयर कहीं नहीं होगी, इंडिया स्किल्स होती है, बट उसके नेक्स्ट ईयर शंघाई में होगी। तो हमें जो इसकी मीडिया एंटरटेनमेंट की सेक्टर काउंसिल है, जिसका हेड भी फॉर्चुनेटली हमारा ही एलुमनाई है, उसने हमें मतलब देश के टॉप 10 कंपनीज में चूज़ किया है कि आप वर्ल्ड स्किल काउंसिल के लिए अथराइज सेंटर बनिए, और बच्चों को एनिमेशन में और ग्राफिक्स में
उस लेवल पे तरीके से अरीना गीता भवन को आपने बोलते हैं ना नींव रखी है, इस पेड़ को पानी दिया है, अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखा है, और आज 22 सालों का ये वृक्ष अपने आप में बखूबी बहुत खूबसूरत हो चुका है, तो आपको क्या कुछ कहना है इसके बारे में? मेनली गीता भवन का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ से अगर स्टूडेंट्स निकलता है तो वो कहीं भी खड़ा हो, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर खड़ा हो, वो इतना स्किल्ड रहेगा कि वो अपना अर्निंग जो है वो खुद ही कर सके। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन होगी, अगर जैसे बहुत छोटे जगह से भी बच्चे आते हैं, बहुत जगह होता है कि उन्हें हमें घर नहीं छोड़ना है, तो वो छोटी प्लेस पर भी काम करने के लिए बन सके, एंड वर्ल्ड में अगर उसे कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया भी जाना है, तो वहाँ पर भी उतने ही गर्वित होकर काम कर सके। तो उसके लिए बहुत सारा 360 डिग्री का जो एक्सपोजर लेवल बच्चों को चाहिए, जो अभी इंदौर में नहीं होता है, वो हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि उतना कॉन्फिडेंस बच्चे में आ जाए कि उनके लिए जगह मैटर नहीं करता है, सिर्फ काम मैटर करता है। तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे MNCs वगैरह के भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसमें सभी में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, कंसेप्ट से लेकर उसके पूरा कंप्लीट होने तक, ताकि नॉट ओनली उनका क्रिएटिविटी आए या सिर्फ एकेडमिक्स स्ट्रांग हो, बाकी सारा एक्सपोजर उन्हें आए, ताकि वो एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर सके। और राइट मंथली आपके साथ 94.3 MyFM पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, और आपकी खास मुलाकात मैं करवा रही हूँ डायरेक्टर्स एंड ओनर्स ऑफ अरीना गीता भवन, मेरे साथ में संजय खेमेश्वरा सर और एकता खेमेश्वरा मैम। अब शो के एंड में आपका एक लास्ट मैसेज टू ऑल आवर लिसनर्स, टू ऑल योर स्टूडेंट्स जो अभी आपको सुन रहे हैं। देखिए, एक जो चीज मैं चाहूंगा कि बच्चे हमेशा ये ध्यान रखें कि कहीं भी उन्हें ये एनिमेशन या क्रिएटिव फील्ड के कोर्सेस करना है, तो पहली चीज़ तो वो ये देखें कि जहाँ पे वो जा रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करें, जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसके बारे में भी रिसर्च करें। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग भेड़ चाल में कि मेरे फ्रेंड ने ये किया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, उसकी बजाय यदि स्वयं का इनपुट यूज़ करें, गूगल बेस्ड रिसर्च का टूल है वो यूज़ करें, और थोड़ी ढंग से तहकीकात करें। तहकीकात करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि सभी ये बोलेंगे कि हम बेस्ट हैं, बट आपको ये पता करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और इसमें जैसे अभी हम लोग ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स कराते हैं, हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से जुड़े हैं, तो ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ये हब एंड स्पोक मॉडल रहते हैं, और इसमें टाटा इंस्टीट्यूट को MHRD ने ऑटोनॉमी दी है, नेक की 3.89 ग्रेड होने के कारण दे आर कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट, दैट्स वाई दे कैन ऑफर अक्रॉस द कंट्री। बट ऐसी भी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, बट उनको अथॉरिटी नहीं होती है कि अपने कैंपस के बाहर वो कर पाएँ, बट अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है भी नहीं या नहीं। राइट मानसली आपके साथ 94.3 MyFM पर आप सुन रहे थे एक मुलाकात, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।